तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सिकविन की। तो गाइस सिकविन इंडिया का सबसे भरोसेमंद प्रेडिक्ट एंड विन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप भाई लाखों रुपए जीत सकते हो। यहां पर आपको 100% स्पोर्ट्स वेलकम बोनस मिलेगा, और जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो और सक्सेसफुली रजिस्टर करते हो तो भाई आपके अपने अकाउंट में भाई 50 रुपए बोनस देखने को मिल जाएंगे। और यही नहीं, आप यहां पर अपने स्पोर्ट्स के नॉलेज को यूज करके यहां से इजीली अपने डिपॉजिट का 17 गुना ज्यादा पैसे जीत सकते हो। तो देर किस बात की यार, जाके डाउनलोड करो और सक्सेसफुली रजिस्टर कर लेना, क्योंकि भाई रजिस्टर करते के साथ ही आपके अपने अकाउंट में भाई 50 रुपए का बोनस देखने को मिल जाएगा। तो भाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो एंड चेक आउट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कॉनी गेम प्ले वीडियो में। और भाई इस वाले मैच में यहाँ पर तुम्हारा भाई खेल तो सोरो वर्सेस स्कॉर, और यहाँ पर मैं ई स्पोर्ट में आता हूँ। और यहाँ पर तोते के साथ सबसे पहले मेरे को एक कैस मिलती है, और भाई मेरे को लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर बंदे आए हैं, क्योंकि भाई कोई बंदा दिख ही नहीं रहा था यहाँ पर। लेकिन भाई थोड़े से लूट करने के बाद मेरे को देखते हैं कि भाई कंटेनर साइड बंदे उतरे हैं। और भाई इस वाले मैच को एंड तक देखना, क्योंकि भाई इस वाले मैच में मैंने M24 चलाया है, मतलब एस्ट्रोलिक वाले शायद से कम ही मिले इस वाले मैच में। लेकिन भाई एक चीज हुई इस वाले मैच में जो कि आपको एंड में ही देखने को मिलेगी, तो बस इंजॉय करो यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे बंदों की लोकेशन तो पता चल चुकी थी कि वे बंदे कंटेनर साइड मस्त लूट उट कर रहे थे, और यहाँ पर मैं फायर करके अपनी लोकेशन वोकेशन रिवील नहीं करता। अगर मैं एक बंदे को नॉक कर भी देता तो पुश करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे मौके की ताड़ में था। और जैसे यहाँ पर मेरे को दिखता कि एक बंदा वेयर हाउस के अंदर घुसा है, मेरे को ये बात पता थी कि वह बंदा क्रॉस जरूर करेगा, और होता है ऐसे ही। अब यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को भी नॉक किया, तो और ये बंदा काफी ज्यादा ओपन में था, तो यहाँ पर मैं इस बंदे के साथ थोड़ा सा मजे लेता हूँ, मतलब टैप टैप देके थोड़ा सा फिनिश करने की ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर मैं फिनिश भी गया, तो लेकिन भाई इसका टीममेट आता नहीं ओपन में से बचाने के लिए, तो यहाँ पर भाई इस बंदे को मरना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं जल्दबाजी ना करके, मतलब सामने वाले बंदे का पुश ना करके, यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता हूँ और उस बंदे का मतलब आने का वेट करता हूँ। लेकिन भाई कंटेनर साइड वाला बंदा पता नहीं मेरी तरफ आता ही नहीं, मतलब पता नहीं कहीं गायब हो जाता है, तो यहाँ पर मैं इग्नोर करता हूँ उस बंदे को। और यहाँ पर जो था एक स्क्वाड और रह रही है, जो कि भाई पीछे गैरेज साइड उतरी है, और उन्हें भी निपटाएंगे, तो इन्जॉय करना बस। अब मैं उस बंदे को तो इग्नोर करता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं पुश करके जल्दबाजी करके थर्ड पार्टी नहीं करवाना चाहता था इन बंदों से, जो कि भाई पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई है। लेकिन भाई यहाँ पर मैं लूट करते करते धीरे धीरे इनकी साइड बढ़ रहा था, ताकि मैं निपटा सकूं इन बंदों को। और तभी ये अकेला बंदा मुझे इधर मिल जाता, जो कि भाई मेरे ऊपर ही पुश कर रहा था, मतलब इस बंदे ने शायद शुरुआत में गन साउंड सुन लेते, और ये बंदा मेरी तरफ ही आ रहा था, जिसे मैं बीच में पकड़ लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं नॉक करने के बाद इसे भी थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, ताकि जब बंदा फिनिश होता है इसके टीममेट्स आए भागे भागे बचाने के लिए। लेकिन भाई ऐसा होता ही नहीं, मतलब इसके टीममेट्स तो आते नहीं, तो मैं इसे फिनिश करके लूट लेता हूँ, क्योंकि इसके पास M4 थी और स्कारल भी थी, तो यहाँ से मुझे M4 मिल जाती है। उसके बाद मैं M4 उठा के सीधा पुश कर देता हूँ सामने वाले बंदों पर, तो बस देखना। अब बस यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई नेट गैस भी गैरेज के अंदर चला जाए, गाड़ी ब्लास्ट होगी तो वो दोनों भी बंदे फट जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब ये जो बंदा था मेरे ऊपर बिल्कुल ओपन में पुश करता है, मतलब इस बंदे ने शायद से मेरे को शुरुआत में डैमेज दिया हो, और इस बंदे को शायद से लगा हो कि यहाँ पर मैं हील विल मार रहा हूँ, तो यहाँ पर भाई इस बंदे की प्रेडिक्शन तो सही थी, लेकिन भाई मार आता है। अब जैसे यहाँ पर मैं मोली करके नीचे की साइड जाता हूँ, बस देखना यहाँ पर क्या होता है। और यहाँ पर भाई एक M24 वाला शेल्टर के साइड से मुझे मतलब काफी देर से निशाना बनाया बैठा हुआ था। और यहाँ पर देखो अभी भी पूरा का पूरा ईस्ट पोर्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि भाई पीछे साइड जो कंटेनर वाला बंदा था वो अभी भी यहाँ पर बचे रहा, और कभी भी मेरे ऊपर थर्ड पार्टी करके मुझे इजीली निपटा सकता था। तो यहाँ पर मैं स्मोक कर देता हूँ चारों तरफ, और उसके बाद मतलब मस्त इनकी क्रेट लूट लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भाई कंटेनर वाला बंदा मेरे ऊपर थर्ड पार्टी तो करता नहीं, तो यहाँ से मैं गाटा के सीधा पुश कर देता हूँ सामने शेल्टर वाले बंदों के ऊपर, जो कि भाई शायद से किसी और से फाइट ले रहे थे, मतलब उधर शायद से दो स्कॉट्स थी, और पता नहीं भाई शेल्टर में दो स्कॉट्स कब से उतरने लगी, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे यहां से मैं गाड़ी लेकर गुजरता हूं, बंदों का ध्यान पूरी तरह से मेरी तरफ हो जाता है, और मेरे को मारने की ट्राई भी कर रहे थे बंदे, लेकिन भाई मैं बच जाता हूं और कैसे भी आगे आकर गाड़ी रोक लेता हूं। और भाई यहां पर मैं मतलब मारने वाने की ट्राई करता हूं बंदों को, लेकिन भाई बस देखना क्या होता है यहां पर।
अब मैं जो था यहाँ पर बिल्कुल चौकन्ना था, क्योंकि भाई एक बंदे के हाथ में M24 थी और जब भी मैं खड़ा हो रहा था मतलब कभी भी निपटा सकता था मुझे। तो यहाँ पर भाई मैं मस्त मतलब मार मार के लेट जा रहा था, कवर टू कवर खेल रहा था, और ये जो बंदे थे भाई मेरे पीछे पड़ चुके थे। तो यहाँ पर मैं गाड़ी रोकता हूँ और बस ये वाला क्लच देखो। अब इनका जो लास्ट बंदा है वो यहाँ पर मुझे इजीली निपटा सकता था, लेकिन भाई यहाँ पर इसके जो टीममेट्स कॉल दे रहे होंगे कि भाई 1 HP है घुस के मार दे तो कर सकता है, तो भाई पैनिक हो गया होगा बंदा और यहाँ पर भाई खड़ा हो जाता है चुपचाप यहाँ पर आके और मारने का ट्राई करता है मेरे को। लेकिन भाई फर्स्ट एड लग चुकी थी तब तक और भाई निपटा देते इस वाले बंदे को। अब इस वाले बंदे के क्रेट में होती है M24 जो कि मैं उठा लेता हूँ, और भाई पूरे मैच में M24 चलाने वाले हैं, चाहे स्ट्रोलिक वाले मिले या ना मिले मतलब मर जाएंगे अगर मिल गए तो, भाई देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद यहाँ से सारी की सारी लूट करने के बाद मैं ऐसे गाड़ी उठा के सीधे निकल लेता हूँ बंदों की तलाश में, और मैं जाता हूँ यहाँ पर सीधा थर्ड हिल में, क्योंकि उधर से एक बंदा स्टोल के चला रहा था, मतलब इधर से मुझे कुछ साउंड्स आए थे लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ और सोचता हूँ कि भाई क्लोज में तो जा नहीं सकते उसके, तो दूर से ही M24 से निपटाएंगे उस बंदे को। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रोक लेता हूँ और मैंने आप नोटिस करना आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं मतलब गाड़ी रोक के यहाँ पर बंदों को स्पॉट करने लग जाता हूँ कि भाई कौन बंदा स्टोल के चला रहा था, लेकिन मैं वो बंदा तो मुझे यहाँ पर मिलता ही नहीं क्योंकि भाई पता नहीं कहीं छुपा हुआ था। तो यहाँ पर मैं मस्त थोड़ा सा मतलब रुकता हूँ, होल्ड करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर देखो मतलब लास्ट का जोन काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि भाई बंदे सारे के सारे रियल बचे हुए थे, बॉट और सारे मर चुके थे, और मतलब बस देखना बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, उसके बाद मुझे पता लगता है कि भाई मेरे जस्ट सामने थर्ड हिल में एक ड्रॉप गिरा हुआ था, तो मैं जाता हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को चाहिए थी AWM या फिर मतलब कोई भी अच्छी गन मिल जाती तो मैं उठा सकता था यहाँ पर, लेकिन भाई पता है कौन सी गन मिलती है, ऑग मिलती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई M4 से तो काम चला ही लेंगे, हालांकि ऑग अच्छी गन है मेरे को तो भाई अच्छी लगती है, आप लोगों का पता नहीं, मतलब मैं चला लेता हूँ बढ़िया, लेकिन भाई M4 बढ़िया गन है यार, क्योंकि भाई स्किन है यार अपने पास इसकी बढ़िया सी। तो भाई हम यहाँ से गाड़ी उठा के सीधा निकलने वाले थे, लेकिन तभी सामने से बहुत तगड़े तगड़े शॉट्स आते हैं, तो यहाँ पर मैं खड़ी रोक लेता हूँ। रोकता तो नहीं यार अपनी मर्जी से, मतलब रोकना पड़ता है मुझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर और बैठा रहता तो भाई बंदे शायद से यहाँ पर मेरी पेटी बना देते, क्योंकि भाई सामने पता नहीं कौन से एंगल से बंदे छुप के मार रहे थे मुझे। और तभी एक बंदा स्मोक करता हुआ दिखता है मुझे, जिसे मैं यहाँ पर भाई एक हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन भाई बंदा बच जाता है क्योंकि Level 3 हेलमेट था उसके पास, और उसके जस्ट पीछे वाले पेड़ पे एक और बंदा बैठा हुआ था जिसका मतलब हेड दिख तो रहा था लेकिन भाई शायद से ग्लिच से दिख रहा था, क्योंकि भाई रिच थी उधर, और वहाँ पर भाई वो बंदा तो बच जाता है। उसके बाद यहाँ से मैं निकल रहा था, तब एक और बंदा ओपन में क्रेट्स लूटता हुआ दिखता है, तो बस देखना। अब ये जो बंदा था यहाँ पर बिल्कुल नॉक करने के बाद दिखना ही बंद हो गया था, मतलब देख सकते हो यार फिनिश तो मैं कर ही नहीं सकता था इस बंदे को, और इसका जो टीममेट है भाई उसे सक्सेसफुली रिवाइव भी कर देता है, उधर बहुत सारे स्मोक कर देता है, तो वो बंदा तो दिखते नहीं। तो यहाँ पर भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, मैं गाड़ी में आ जाता हूँ सीधा, और जोन काफ़ी छोटा हो चुका था तो भाई जोन में जाना भी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर मैं मतलब हील मारते मारते जोन साइड चला जाता हूँ, लेकिन मैं इन दोनों बंदों को भी हम ही निपटाएंगे, तो बस इन्जॉय करना, मतलब इतना तगड़ा फ्लैंक करके आते हैं बंदा, मतलब बस देखना यहाँ पर क्या सीन होते हैं। और यहाँ पर भाई सभी को निपटाने के बाद मिल जाता है मैं चिकन है। तो इसी तरह की गेम प्ले वीडियो में कैसे लगी वीडियो कमेंट की जो बताना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो पर लाइक जो कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर ऐसी तरह मेरी गेम प्ले वीडियो देखने को मिल जाए। इसके अलावा जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जाकर सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।